मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, अक्सर हम हमारे घर के फर्श को क्लीन करने के लिए, उसकी साफ सफाई करने या फिर पोछा लगाने के लिए बाजार से महंगे महंगे फ्लोर क्लीनर लेकर आते हैं। लेकिन आज हम आपको अपने इस खास वीडियो में एक बेहद ही आसान सा फ्लोर क्लीनर बनाना बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से ना ही सिर्फ आपका फर्श क्लीन रहेगा बल्कि आपके घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होंगी और घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू बनी रहेगी जिसमें आप खुलकर सांस ले सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से बनाना सीखते हैं ये खास किस्म का फ्लोर क्लीनर। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है करीब 5 लीटर पानी और इसमें डालेंगे हम बस ये थोड़े से नीम के पत्ते। अब इस पानी को हमें काफी अच्छी तरह से उबालना है। अब अच्छी तरह से उबालने के बाद आप देख सकते हैं पहले पानी की मात्रा कुछ और थी और अब पानी की मात्रा कुछ और है। इसके बाद जब पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा तो हम करेंगे गैस को बंद। अब इसमें डालेंगे 2 कपूर की गोलियां, 1 फिनाइल की गोली और साथ ही डालेंगे लगभग 1 चम्मच नमक। अब जब आपको लगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से घुल मिल गई होंगी तो इस पानी को छानकर एक बर्तन में भर लेंगे। अब जब भी हमें पोछा लगाना होगा तो करीब 5 लीटर पानी में हम 50 ग्राम इस लिक्विड को डाल देंगे और इससे अपना फर्श साफ करेंगे। इस फ्लोर क्लीनर के इस्तेमाल से आपके घर मक्खी नहीं आएगी, कॉकरोच नहीं आएंगे और इसके जो बड़े बड़े फायदे हैं वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो है ना कितना आसान सा और कितने फायदों से भरा ये होममेड फ्लोर क्लीनर। उम्मीद करते हैं आज की ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप आज ही अपने घर की साफ सफाई के लिए इस क्लीनर को ज़रूर बनाएंगे। तो फिर आप कीजिए इस क्लीनर को बनाने की तैयारी। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक ऐसी ही जानकारी से भरा खास वीडियो लेकर। इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और बने रहें जीवन कोश के साथ।